में जो ठेला है ना उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेते हैं और कल या परसों से देखता। तो वेलकम टू माई डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉगर, मैं हूँ आपका भाई एच के सोनी। तो दोस्तों आज है 14 तारीख, आपको और आपके सारे परिवार को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:30। आई होप कि हर दिन की तरह आज का दिन भी मेरा अच्छा जाए। और आज तो भाई बहुत सारे काम है, ठेला वगैरह भी धोने जाना है क्योंकि कल से शॉप वगैरह खुलेगा, देखते हैं अब। सेवई आप लोग भी खाएंगे क्या? हाँ, आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए होना है चैनल फटाफट से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अरे मेरा रूम बहुत ही बेहतरीन, पूरा पानी भरा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को। अरे चौकी लगा है, गद्दा, और मैं यहीं सोया था और अभी भी यहीं सोऊंगा, पूरा पानी भरा हुआ है। मस्त यहीं बोर्ड वगैरह लगा लिया था। और पता है कल रात को ना एकदम बिल्कुल भी मेरे को नींद नहीं आ रहा था। कल रात को लगभग मैं 3 बजे के आसपास सोया हूँ, पता नहीं क्यों घबराहट सा लग रहा था, नींद नहीं आ रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो वही 3 बजे के आसपास सोया मैं, उसके बाद सुबह वही 6:30 बजे के आसपास उठा और उठा हूँ तो उठा ही हुआ हूँ। हाँ भाई, तो कल मेरे को बहुत लोगों ने बोला भैया आप शेविंग करवा लिए तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत लोग बोले कि भैया शेविंग करवाने के बाद अच्छे लग रहे हैं। और एक भाई साहब ने तो कमेंट मेरे को क्या किया कि भैया आप थोड़े मोड़े जो मूछें रखे हैं वो भी आप शेविंग करवा दीजिए। तो भाई हम लोग के फैमिली में जो मूछें हैं ना, अभी पिताजी जिंदा है, ये सब नहीं करवाते हम लोग, जो है वही है। और बहुत लोग मेरे को क्या बोले भैया हेयर स्टाइल आपका मजा नहीं आ रहा है ऐसा। भाई मेरा लाइफ पर थोड़ा सा मेरे को अपने हिसाब से भी तो जीने दो यार आप लोग, मतलब क्या करूँ, मतलब छोटा बाल रहेगा तो कोई बोलेगा बड़ा करो, बड़ा रहेगा तो कोई बोलेगा छोटा करो, क्या टकला हो जाऊँ मैं? रहन दो भाई, रहन दो, थोड़ा सा जीने खाने दो यार गरीब इंसान को। ये गाड़ी मेरा लगभग 10-15 दिन से इसी पड़ा हुआ था। और स्प्लेंडर का जो आप लोग बात कर रहे हो, स्प्लेंडर देखिए यहाँ पास खड़ा है, किराए पे लेके चला रहा था समझ लीजिए। और मेरा गाड़ी ये देखिए यहाँ पास पड़ा है, और इसका ना ट्यूब वगैरह पंचर हो गया, जो कि मैं आप लोग को सुबह बताया। ये गाड़ी क्या है ना, पंचर होने के बाद भी इसको खूब चलाए, मतलब मैं नहीं जो भी चलाया हो, उसके बाद इसका जो ट्यूब है ना वो चल बसा है। तो ले जा रहा हूँ अभी नया ट्यूब लगवाने के लिए, 10-15 दिन से रखा हुआ था। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग। और टाइम लगभग वही 12:40 के आसपास हो रहा है। और बाइक इसलिए मैं अभी लेके जा रहा हूँ, कल नहीं लेके जा पाया क्योंकि कल भी पानी आ रहा था और आज भी सुबह से सिर्फ पानी ही पानी गिर रहा है। अब पानी रुके तो मैं जाऊँ तो मैं ठेला वगैरह साफ करूँ, पानी रुके तभी तो मैं जाऊँ भाई, और गाड़ी बनवाऊँगा तभी तो जाऊँगा मैं, लेकिन पानी रुक ही नहीं रहा है। अभी भी हल्का हल्का पानी आ ही रहा है, रुक रहा है आ रहा है, रुक रहा है आ रहा है, भीग मत जाऊँ बस। देखते हैं, चलिए चलते हैं, जैसा भी हो सिचुएशन संभालते हैं। ट्यूब ले आया हूँ, अगर ट्यूब फूटा फटा हुआ होगा ना तो नया ट्यूब लगवा लूँगा, नहीं तो इसको वापस कर दूँगा। और भाई सांस इतना ज़्यादा फूल रहा है ना, आते समय धूप निकल गया और एक भी हवा नहीं, इतना ज़्यादा सांस फूलने लगा ना। साहब मेरा भी देख लीजिएगा। अरे मत पूछिए, तकलीफ दे रहा है ज़िंदगी आजकल बहुत। हाँ भाई पंखा लगा हुआ है, मस्त है, अपना ही अड्डा है, अपने ही मोहल्ले के हैं, सुकून से बैठ सकता हूँ। एक गिलास पानी पिया अभी तो फिलहाल में भैया बना ही दिए हैं, अब इनके पास बनाया तो आराम से चल ही जाएगा। तो फाइनली आ गए हम अपने ठेले के पास, ये देखिए आप लोग। और भाई गंदा तो बहुत ही ज़्यादा है यार, ये पूरा पानी जाम है। चलिए चलते हैं, हम लोग पानी वगैरह ले आते हैं और अपना जो ठेला है ना उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेते हैं। और एक दो चक्के में हवा है, एक दो चक्के में हवा नहीं, हवा वगैरह भर लेते हैं और गोदाम के अंदर का भी पूरा साफ सफाई आज क्लीन कर लेते हैं। अगर अगर पानी नहीं गिरेगा तो कल दुकान खुलेगा, नहीं तो फिर मेरा दुकान सोमवार से खुलना चालू होगा, देखते हैं जैसा भी रहा। पहले हम ठेला को साफ सफाई कर लेते हैं। तो भाई साहब पानी ले आया हूँ मैं और गोदाम के अंदर का भी साफ सफाई हो गया है। क्या है ना, मैं अपना काम और वर्क वगैरह डालता हूँ ना कुछ भी, तो बहुत सारे भैया लोग क्या है बोलते हैं कि आप अपना सेम्पति बटोर रहे ऐसा है वैसा। देखो भैया मेरा नेचुरल लाइफ है, ठीक है, मैं जो करता हूँ वही चीज़ दिखाता हूँ, सेम्पति उम्पति वाली कोई बात नहीं है।
बाकी और बाकी आप लोग बोलते रहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइप से। कुछ लोगों का काम होता है बोलना, कोई दिक्कत नहीं। अपना लाइफ जैसे चल रहा है ना, बस ब्लॉग में वही दिखाऊंगा नेचुरल चीज, वैसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप लोग जो भी मेरे चैनल पे हो ना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब हम लोग अपना ठेला वगैरह धोना चालू करते हैं। कल या परसों से देखता हूँ। तो चलिए भाई साहब, पूरा ठेला मेरा साफ सफाई हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। और हवा जो इसमें बचा हुआ है वो मैं कल या परसों जब ठेला लगाने आऊँगा ना, तभी मैं इसमें हवा भर लूँगा, क्योंकि अभी हवा भरूंगा फिर से निकल जाएगा। और काफ़ी बेहतर अभी साफ सफाई हो गया है। और 3:30 बज गया है, चौपाटी में कुछ खास ठेले लगे हुए नहीं हैं, बस 2-3 ठेले ही लगे हुए हैं बस। और देखते हैं क्या है ना, मतलब एक दो लोग बोल रहे हैं कि 1-2 दिन दुकान खुले, क्योंकि संडे को मेरा दुकान बंद ही रहता। तो बहुत लोगों का कहना है कि एक ही बार सोम मरते ही खोलो, या फिर देखो जैसा भी होता है देख लेते हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर नहाने धोने के लिए, और क्या ही बोलूं। अब थोड़ा सा शेक पी लेता हूँ भैया के पास, बहुत दिन बाद कुछ मीठा हो जाए। और शाम के 4 बज रहे हैं जस्ट, मैं अभी पहुँचा, फिर से पानी गिरना चालू हो गया। उस टाइम पेंचर बनवाने जा रहा था तो पानी गिर रहा था, और जाने लगा तो फिर धूप निकल गया था। अभी फिर आया हूँ फिर से, और सावन का आज पहला दिन है, कसम से बता रहा हूँ। सुबह से 10वां बार है जो पानी गिरा है, बस पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। 10-15 मिनट रुक जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर रुक जा रहा है। और शाम के 6 बज रहे हैं भाई, ये देखिए मार्केट मस्त एक नंबर का है, काफ़ी भीड़ वगैरह लगा वैसे चौपाटी में। टाइम लगभग 6:30 बज रहा है, और बहुत 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 मस्त मैं आप लोग को व्यू दिखाने वाला हूँ भाई, इतना बेहतरीन सभी यार। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए होना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। फिलहाल मैं आज का वीडियो यहीं खत्म होता है।